पास प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं एक बार आप हर 5 मिनट के अंदर एक बार कृपया कर्तव्य ध्वनि से हमारे बीच में अच्छा ये कार्यक्रम भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आवासीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। परिषद के पदाधिकारी एवं सभी प्राचार्यों से निवेदन है कि कृपया मंत्री महोदय का स्वागत हुए उच्च शिक्षा और शिक्षक संघ शिक्षक हितों की रक्षा के लिए होता है, इसलिए मांग पत्र से संवेदित करना मंत्री जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं बड़ा गदगद हूं अपने अग्रज को यहाँ पर देख करके। मैंने छात्र जीवन से आपको अपने अग्रज के रूप में देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है और के लिए ओटा अध्यक्ष एवं ओटा महामंत्री से निवेदन है कि कृपया उनका लेकिन कठिन डगल कभी टिका देगी मुझको ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर मेरे साथ रहा है। बड़ी से बड़े जितने बड़ी ताकत रही हो मेरे सामने छात्र जीवन से, और जो लोग जानते हैं सच्चाई पर ही अड़ा था मैं। जब भी अड़ा इस जगह भी मैंने कई बार नारेबाजियां की हैं, जिस जगह से आता हूं जब गलियों में घुसता हूं तो पुराने दृश्य याद आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ जो यहाँ पे छात्रों को लेकर आया करता था उनकी मांगों के लिए। पराजय की भावना से सेवा की जाती है, हर गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य में से आगे बढ़े, हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरे इसलिए देवता कहा गया। तो उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए, बनाते हैं कई जगह ठीक है, शिक्षक और गुरु में फर्क क्या है? शिक्षक शिक्षा देके चला जाता है, लेकिन हमारे गुरु थे, हमें पढ़ाया था उन्होंने। वो ये कहते थे भाई मैं कॉपिया भी मैं 7th में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, ये कॉपिया भी मैं यही जांचूंगा क्लास में बैठकर। पहले उतर ये था कि और जो शिक्षक थे वो घर ले जाते थे, घर में कॉपीज होमवर्क हमारे जांचते थे और क्लास में पढ़ाते थे। वो कहते घर की तनख्वाह थोड़ी देती है सरकार हमको या हमारा एस्टेब्लिशमेंट, हमको यहाँ की तनख्वाह देता है यही काम करेंगे। उस शिक्षक वो गुरु नहीं थे, वो शिक्षक थे। गुरु कौन थे? तीसरे में पढ़ता था मैं, जगन्नाथ जी हमको पढ़ाते थे, पंडित जगन्नाथ। पढ़ाने के साथ साथ हमको कथाएं सुनाते थे, पितृभक्त बालक, गुरु भक्त बालक, मातृभक्त बालक, संस्कार देते थे उनके माध्यम से हमारे अंदर। ये उनका काम थोड़ी था लेकिन संस्कार देते थे। देशभक्त बालक वो गुरु थे। जी सी शर्मा साहब को तो आप कई लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स अकर कॉलेज वो गुरु थे। मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना, अखबार में फोटो आया, ये समाचार आया, मैं कॉलेज में आया, कई लोगों ने बधाई दी, जी सी शर्मा साहब ने मुझे बुलाया, इधर आओ, ले गए अपने चैम्बर में, बोले नगर मंत्री बन गए विद्यार्थी परिषद के। मैंने कहा गुरुदेव, बोले क्या मतलब होता है इसका? तो मैंने कहा मतलब तो अब मेरा अटपटा क्वेश्चन एकदम, अब वो भी इतने सीनियर लेक्चरर पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा मतलब ये कि
विद्यार्थी परिषद का काम विद्यार्थियों के कॉलेजों को हर कॉलेज में खड़ा करना। बोले नहीं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री विनय पाठक जी, पाटा के माननीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह जी, शरद भारद्वाज जी, डॉक्टर भूपेन्द्र चिकारा जी, डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी, सम्मानित मंच, उपस्थित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और शिक्षक से अलग हटकर जो कर्मचारी हैं वो सभी लोग, यहाँ मेरा सम्मान किया जा रहा है। जब मुझे आमंत्रित किया था शरद जी ने, तो मैंने कहा था कि घर में सम्मान कैसा, क्योंकि जिन गलियों में मैं घूमा हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। आगरा कॉलेज अगर डिग्री के हिसाब से बात करें, वरना चुंगी के स्कूल से बैप्टिस्ट, बैप्टिस्ट से जीआईसी, जीआईसी से आगरा कॉलेज, और कुछ दिनों सेंट जोस में भी पढ़ा हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन छात्रों के हितों में हर कॉलेज में गया हूँ, सुदूर बिजपुरी से लेकर आगरा कॉलेज तो था ही, सेंट जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन्स वाले बड़े नाराज होते थे जब जाते थे वहाँ पर, क्योंकि उस समय डिसिप्लिन के मामले में उत्तर प्रदेश में पहला या दूसरा नंबर रहता था इनका। आईटी कॉलेज पहले नंबर पे कभी होता था, कभी आप पहले नंबर पे होते थे, और हमारे जाने से इनका डिसिप्लिन बिगड़ता था, क्योंकि हम छात्र हितों की बात करते थे, शिक्षकों के हितों की बात करते थे, क्योंकि हम जिस संगठन से जुड़े थे विद्यार्थी परिषद से, उसमें अध्यक्ष हमेशा शिक्षक ही होते थे। वो इसीलिए होते थे कि शिक्षक हम पे, हमें दिग्भ्रमित ना होने दें, हम पे अंकुश रहे, नहीं छात्र जोश में होश को देता है, इसलिए शिक्षक हमारे ऊपर रहते थे अंकुश की।